वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की तैयारियों के संबंध में बुधवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी। राजन ने बताया है कि 64,523 मतदान केंद्र में पहली मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। प्रारंभिक प्रकाशन में 5,43,77,095 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। वहीं इनमें सामान्य मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 2,81,26,191 लोग मौजूद हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2,62,49,500 बताई जा रही है। इसके अलावा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। मतदान केंद्रों की भी संख्या को संशोधित किया गया है। प्रदेश में अब 64,523 मतदान केंद्र, 362 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 117 मतदान सेंटर को शिफ्ट किया गया है। 2018 में 5,04,00,000 मतदाता थे पिछले चुनाव के समय। आज की तारीख में जो हमने मतदाता सूची आपको बताई है, सर्विस वोटर को अगर हम छोड़ देते हैं तो 5,43,77,095 जो आपको बताई थी, 5,43 समझ लो तो 5,04,00,000 उस समय थे, 5,43,00,000 आज हैं, और इस दौरान उसमें और चेंज होगा।